सब्सक्राइब करूँ एवं साइड में थिबा बेल आइकन टी प्रेस करूँ जहाँफल आपण मैंने नुआ नुआ वीडियो गुड़ाक नोटिफिकेशन रे पाई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आम डिस्कसन करें कौन सरल सह समीकरण एक्सरसाइज एक सी रोह नंबर क्वेश्चन। तो आम आगुरी डिस्कसन कर सारी पंद्रह नंबर पर्यंत, तो जो मानकर पंदर नंबर कम्प्लीट होने मो चेल को ओपेन करी से प्ले लिस्ट थी से प्ले लिस्ट ओपेन कले सब वीडियो पाई। तो देख ये क्वेश्चन कौन दे ए ओ बी रयर अनुपात देखा कैसे 8:7 है, सेम व्ययर अनुपात देखा कैसे 19:16 है। जदि उभय 1250 टाँग संचय करते तेज से आय के बोली पचारा आयर। देख ये आय मैंने कौन आदाय, तुम तो जान थो आय मैंने कौन आदाय, सेमती व्यय मैंने हूँ कौन खर्च है। तो देख ये क्वेश्चन कौन दे ए ओ बी रयर अनुपात देखा कैसे 8:7। तो फास्ट आम लिखि कौन ए ओ बी रहा आयर अनुपात, आयर अनुपात केते देछि 8:7 बुझिपार। तो आम कौन कर मन कर फास्ट नहीं जा मन कर ए रय है, देख ये देखिए कौन ए ओ बी रयर अनुपात देखा 8:7। तो आम मन कर ए रय को आम कौन ने 8x नेबा, सेमती बी रय को आम कौन ने 7x बुझिपार ना। तो बर्तमान देख नेक्स्ट आम देखा सेमती ये कौन दे व्ययर अनुपात है ए ओ बी रयर अनुपात के 19:16। तो आम लिखिद सेमती ए ओ बी रहा व्ययर अनुपात के 19:16। तो बर्तमान देख आम नहीं जा मन कर व्यय है, तो व्यय को आम कौन ने 19, देख ये आम एक्स नहीं थे कौन ने वाई नहीं जा 19 वाई नहीं जा सेमती है बी रय को आम कौन ने 16 वाई बुझिपार ना। तो बर्तमान देख ए ओ बी रय आसला आ रो बी रय आम पाइले। तो बर्तमान देख ये देखिए कौन उभय के 1250 टाँग संचय करपारती मैंने ए आउ बी है उभय के 1250 टाँग संचय कर। तो देख ये आम प्रथम जाना कौन संचय मैंने कौन, देख मुझे गोटे एक्जामपल दे मन कर है मोर आय मोर आदाय दिन को हूँ कैसे 100 टाँचा बुझिपार, आ मोर से खर्च कैसे दिन को हूँ 30 टाँचा बुझिपार, मोर आदाय हूँ कैसे 100 आ खर्च हूँ कौन 30 तेज मो पाखे आत 70 टाँग रोज ना। तो से जो रोच जोड़ा बढ़ुची जोड़ा आम कौन संचय बोली कह तार अर्थ कौन आम जान लें संचय मान हूँ कौन आय माइनस व्यय आदाय माइनस कौन खर्च हाँ ना। तो देख बर्तमान आम देख ये ए रचय के 1250 ना ना, तेज देख लिखिद आम लेख ए रहा संचय केते 1250 टंका, तेज देख मु तुमको कहली संचय मैंने कौन आय माइनस व्यय। तो ए रय हूँ कैसे 8x, तो आम लिखिद 8x है सेमती बी सॉरी ए रय हूँ कैसे 19y माइनस 19y है। देख ए रय माइनस व्यय करुचे आम तो रहा कौन 1250 बा संचय हूँ कैसे तार 1250, तो आपको आम कौन इक्वेशन 1 आम देद बुझिपार। सेमती नेक्स्ट बी रहा संचय मध्य 1250 का, तो आम लिखा कौन बी रचय हूँ कैसे 1250 टंका, तेरे आर समीकरण कौन आस देख बी रय हूँ कैसे 7x है माइनस तार व्यय हूँ कैसे 16y इक्वल टू के 1250 आपको आम कौन इक्वेशन 2 देद। तो बर्तमान देख आम इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 आसीगला, एवं आम कौन करवा इक्वेशन 1 आउ 2 को लेकिन आम कौन अपसारण प्रणाली मध्यम आम है एक्स रैल्यू आने केवल एक्स ही आने वाई दरकार ना कहीं कह देख ये पचार कौन से आय पचार, तो आम आय को आम एक्स रूप में नहीं ना, तो आम केवल कौन एक्स रैल्यू ही आने को पड़ो। तो देख लिखि ये इक्वेशन 1 कौन दे 8x माइनस 19y इक्वल टू के 1250 है। इक्वेशन 2 आम कौन दे 7x माइनस 16y इक्वल टू के 1250 है इक्वेशन 2 है। तो बर्तमान देख देखिए आम कौन देख आम ये वाई को कैनसल करवा कहीं आमको एक्स रैल्यू दरकार, तो आम वाई को कैनसल करवा ये कौन देख माइनस 19y अच्छी ये कौन माइनस 16y अच्छी, तो आम कौन करवा ऊपर इक्वेशन 1 आम 16 गुणी देवा इक्वेशन 2 आम है 19 आम गुणन करदे बुझिपार। तो बर्तमान देख कर तो देख ये 16 अष्टांग के 128x है, माइनस को माइनस देखा
ହେଲା ଉଣେଇଶ ଇଣ୍ଟୁ ଷୋହଳ କେତେ ହେଉଛି ଗୁଣିଦିଅ ଏଠି 19 ଇଣ୍ଟୁ 16 ହେଲା ତ କେତେ ଆସୁଛି 304 ତ ଦେଖ ଏଠି 16 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 19 ହେଲା କଲର କେତେ ଆସିଲା 304 ହେଲା ୱାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1250 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ 20,000 ଆସିଲା କେତେ 20,000 ହେଲା ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 20,000 ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେମିତି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁକୁ ଆମେ କରିବା 19 ଇଣ୍ଟୁ 7 ହେଲା କେତେ 133x ହେଲା ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ଦେବା 16 ଇଣ୍ଟୁ 19 କେତେ 304 ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1250 ଇଣ୍ଟୁ 19 ହେଲା ତ ଗୁଣିବା ଆମେ 1250 ଇଣ୍ଟୁ 19 ତ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ 23,750 ହେଲା ଦେଖ ଲେଖିଦେବା 23,750 ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ କରିବା ହେଲା ଏଠି ତ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବା ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମାଇନସ୍ 304y ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 304y କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ କ'ଣ 128x ମାଇନସ୍ 133x କେତେ ରହୁଛି ମାଇନସ୍ 5x ହଁ ନା ନାହିଁ ମାଇନସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଲା ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ପକାଇଦେବା 23,750 କେତେ 20,000 ମାଇନସ୍ କରେ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 3,750 ହେଲା ତ ମାଇନସ୍ 3,750 ରହିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ 3,750 ବାଇ ମାଇନସ୍ 5 ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ତ ଆମେ 5କୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା କେତେ 5 ସତ୍ୟାଙ୍ଗ 35 ତାପରେ 5 25 ତାପରେ 0 ତ କେତେ ଆସିଲା 750 ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଲା 750 ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସ ଆସିଲା ଏବେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଦେଖ ଏର ଆୟ ହେଉଛି କେତେ 8x ତ ଲେଖିଦିଅ ଏର ଆୟ ହେଉଛି କେତେ 8x 8x ମାନେ କ'ଣ 8 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 750 ତ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ତ କେତେ ଆସିବ ଏଠି କରିଦେବା ଆମେ 750 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 8 800 85 40 856 56 4 କେତେ 60 ତ କେତେ ଆସିଲା 6,000 ହେଲା ତ ମାନେ ଦେଖ ଏର ଆୟ ପଳା ଆସିଲା କେତେ 6,000 ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଣିବା ବିର ଆୟ ହେଲା ତ ବିର ଆୟ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ 7x ତ ଲେଖିବା 7x ମାନେ କ'ଣ 7 ଇଣ୍ଟୁ 750 ତ କର 750 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ 7 ହେଲା 700 75 749 3 କେତେ 52 ହେଲା ମାନେ କ'ଣ 5,250 ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ଏର ଆୟ ଆସିଲା କେତେ 6,000 ସେମିତି ବିର ଆୟ ହେଉଛି କେତେ 5,250 ହେଲା ମାନେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲା ତାହା ଆସିଗଲା ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା କ'ଣ 17 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 5 ପରେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ରର ବୟସର 3 ହେବ ହେଲା ଓ 5 ପୂର୍ବେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 7 ଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଣିତ ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ ହେଲା ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ କରିବା 5 ପରେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ରର ବୟସର କେତେ ଗୁଣ 3 ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବା କ'ଣ ମନେକର ହେଲା ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା ତ କେତେ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା ବୁଝିପାରୁଛ ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ୱାଇ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ପିତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା କ'ଣ ୱାଇ ତ ଦେଖ 5 ପରେ ପଚାରିଲା ତ 5 ପରେ ହେଲା 5 ପରେ ହେଲା ପିତାଙ୍କ ବୟସ କ'ଣ ହେବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଏକ୍ସ ହେଲେ 5 ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5 ଏତିକି ବର୍ଷ ହେବ ନା ନାହିଁ ହେଲା ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ 5 ପରେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା 5 ପରେ ହେଲା ପୁତ୍ରର ବୟସ କେତେ ହେବ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 5 ହେବ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ 5 ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସରେ କେତେ ଗୁଣ 3 ତ ଆମେ 5 ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5 ଆସିଲା ହେଲା ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଆସିଲା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 5 ହେଲା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ 3 ଗୁଣିଦେବା ହଁ ନା ନାହିଁ 3 ଦେଇଛି ନା ପୁତ୍ରର ବୟସରେ କେତେ ଗୁଣ 3 ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସରେ ଆମେ 3 କରିଦେବୁ ତ ଆକୁ ଧରିକି ଆମେ କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଆଣିବା ତ ଦେଖ ଆଣିବା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 15 ହେବ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 3y ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ 3y ହେବ
तापर प्लस फाइव एटा एपटे आसे माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो यहाँ हूँ कौन इक्वेशन वन तो सेमती नेक्स्ट आम कौन इक्वेशन टू आनवा देख ये कौन दे पांच वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयस गुण सात गुण अच्छा बर्तमान जदि पिता बयस एक्स है पांच वर्ष पूर्वे कौन हम एक्स माइनस फाइव ना ना तो आम लिखिद देख है पांच वर्ष पूर्वे है पिता बयस के पिता बयस के एक्स माइनस फाइव फाइव वर्ष हम सेमती पांच वर्ष पूर्वे है पुत्र बयस कौन हम वाई माइनस फाइव है सेमती लिखिद प्रश्न अनुसार है प्रश्न अनुसार आम कौन दे पांच वर्ष पूर्वे कौन पितार बयस पुत्र बयस गुण सात गुण तो आम लिखिद पिता बयस है एक्स माइनस फाइव आ पुत्र बयस है कौन वाई माइनस फाइव तार के गुण सात गुण है बुझीपार तो बर्तमान देख आपको धरिक आम इक्वेशन टू आनवा एक्स माइनस फाइव इक्वल कौन हम सेवेन वाई माइनस थर्टी फाइव तो नेक्स्ट स्टेप कौन हम एक्स माइनस सेवेन प्लस सेवेन वाई एपटे आसे कौन हम माइनस सेवेन वाई तर माइनस फाइव एटा एपटे आसा मैंने प्लस थर्टी फाइव हम इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस सेवेन वाई है प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो यहाँ है कौन इक्वेशन टू बर्तमान देख आम इक्वेशन वन आ टू आसीगला तो आम कौन सहजरे अपसरण प्रणाली मध्यम तार समाधान करके आम एक्स आउ वाई वैल्यू आनीद तो बर्तमान देख करवा तो देख इक्वेशन वन आम कौन है ये करवा एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो सेमती इक्वेशन टू हूँ कौन एक्स माइनस सेवेन वाई प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो तो ये आम अपसरण करवा प्लस थे माइनस देवा माइनस थे प्लस देवा यहाँ को आम माइनस देदेव है प्लस एक्स माइनस एक्स कौन है कैनसल होगा तो रोक कौन प्लस केत रु तीन गले चार है तो फोर वाई तापर माइनस ये भी माइनस अच्छी तो माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो तो फोर वाई इक्वल कौन हम प्लस फोर्टी है वाई इक्वल टू फोर्टी बै फोर मानने टेन है वाई रूल्य के आसला ये टेन आसला है तो बर्तमान आम कौन करवा वाई रूल्य को आम इक्वेशन वन कि टू रे आम प्रयोग करदे तो खेट करवा वाई रान को आम कौन इक्वेशन टू रे प्रयोग करवा तो इक्वेशन टू आम कौन दे देख एक्स माइनस सेवेन वाई प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो तो कौन हम एक्स माइनस सेवेन इंटू वाई के आसला आमर टेन तो कैसे हम यहाँ सेवेन्टी हो प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो तो नेक्स्ट कौन एक्स माइनस सेवेन्टी प्लस थर्टी के माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो तो नेक्स्ट कौन एक्स इक्वल टू फोर्टी बुझिपार मैंने देख वाई आसला टेन एक्स आसला के फोर्टी मैंने कौन आम पिता बयस नहीं एक्स मैंने के पिता बयस है चालीस वर्ष सेमती पुत्र बयस आम वाई नहीं वाई के आसला टेन मानने पुत्र बयस हो कौन दस वर्ष बुझिपार तो देख बर्तमान आम डिस्कसन करवा कौन अठर नंबर क्वेश्चन है तो देख ये देखिए गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य दुई मीटर अधिक प्रस्त दुई मीटर कम हेले क्षेत्रफल अठाईस वर्ग मीटर कमी जाऊँगी मात्र दैर्घ्य एक मीटर कम आ प्रस्त दुई मीटर अधिक हेले क्षेत्रफल तेतीस वर्ग मीटर बढ़ी जाऊँ तेज आयत क्षेत्र क्षेत्रफल पचारा देख तुमको मन अच्छे ना ये टाइप क्वेश्चन आम करते नंबर क्वेश्चन तेरह नंबर क्वेश्चन आम है सेम प्राय सेम खाली ये संख्या गुड़ाक ही टे एपट सेपट अच्छी है तो देख फास्ट आम कौन नहीं कम बा कौन ने देख फास्ट आयत क्षेत्र ने तार दैर्घ्य को आम कौन एक्स ने प्रस्त को आम कौन ने वाई नहीं जा रहा तो तुम लिखिद ये मनकर कौन आयत क्षेत्र कौन दैर्घ्य को आम कौन ने एक्स ने एक्स मीटर ना प्रस्त को आम कौन ने वाई मीटर ने बुझिपार तो हेले क्षेत्रफल कौन हम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कौन दैर्घ्य इंटु प्रस्त ना ना मैंने कौन हम एक्स वाई वर्ग मीटर हम है तो सेमती बर्तमान क्वेश्चन अनुसार कौन दे देख प्रश्न अनुसार आयत क्षेत्र दैर्घ्य के दुई मीटर अधिक है दैर्घ्य एक्स थी दुई मीटर अधिक मैंने कौन हम एक्स प्लस टू हाँ ना ना है सेमती प्रस्त दुई मीटर कम प्रस्त को आम कौन वाई तो दुई मीटर कम करवा कौन हो क्षेत्रफल अठाईस वर्ग मीटर कमी जाऊँ क्षेत्रफल केमर एक्स वाई ना ना अठाईस कमी जाऊँ मैंने कौन आम माइनस ट्वेंटी एट देदेव तो आपको धरिक आम कौन इक्वेशन आम वन आनीद है टाइप गणित आम आगू करें तेणुकर मुझे किसी धारा आ कि लेखनी है तुम्हें तेरह नंबर क्वेश्चन में डिटेल्स अच्छे देखिपार तो देख ये आम इक्वेशन आनवा एक्स को आम कौन करवा वाई माइनस टू गुणवा सेमती प्लस टू को आम वाई माइनस टू गुणवा इक्वल कौन एक्स वाई माइनस ट्वेंटी एट तो नेक्स्ट कौन हम एक्स इंटु वाई एक्स वाई तापर माइनस टू इंटु एक्स के टू एक्स हम प्लस टू वाई माइनस के फोर इक्वल टू के एक्स वाई माइनस ट्वेंटी एट है तो देख ये एक्स वाई आउ एक्स वाई कैनसल होगा तो नेक्स्ट आम रहा कौन माइनस टू एक्स
प्लस टू वाई है माइनस फोर माइनस ट्वेंटी एट एपट आसे कौन हम प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो तो नेक्स्ट कौन हम माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर प्लस ट्वेंटी एट के प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो तो ये माइनस अच्छे तो आम कौन माइनस जो कमन काट दे माइनस टू एक्सटा कौन हम प्लस टू एक्स हो प्लस टू वाईटा कौन हम माइनस टू वाई हम प्लस ट्वेंटी फोर टा कौन माइनस ट्वेंटी फोर हम इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू जीरो यहाँ कौन इक्वेशन वन बर्तमान देख इक्वेशन वन आसगला सेमती इक्वेशन टू मैं आने देख मात्र दैर्घ्य एक मीटर कम करवा बर्तमान कौन कले दैर्घ्य को एक मीटर कम मैंने कौन हम एक्स माइनस वन हम ना नहीं सेम प्रस्त को दुई मीटर अधिक मैंने प्रस्त हो कौन वाई तो कौन हम वाई प्लस टू है कौन हो क्षेत्रफल तेतीस वर्ग मीटर बढ़ी जाऊँगी मैंने कौन इक्वल टू क्षेत्रफल हो कौन एक्स वाई तारे के बढ़ुची थर्टी थ्री है तो प्लस थर्टी थ्री करवा तो आपको धरिकी आम कौन इक्वेशन टू आनवा देख एक्स को आम वाई प्लस टू रे गुणन करवा माइनस वन को आम वाई प्लस टू रे गुणन करवा इक्वल टू एक्स वाई प्लस थर्टी थ्री है तो नेक्स्ट कौन हम एक्स वाई प्लस के टू एक्स माइनस वाई माइनस प्लस कौन माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई प्लस थर्टी थ्री है तो बर्तमान देख प्लस एक्स वाई कैनसल हो नेक्स्ट कौन हम टू एक्स है माइनस वाई माइनस टू यहाँ पर आसा मैंने कौन हम माइनस थर्टी थ्री इक्वल टू जीरो तो लिखिद टू एक्स माइनस वाई माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ हूँ कौन इक्वेशन टू बर्तमान देख आम इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू आसगला तो आपको तुम्हें कौन अपसारण प्रणाली मध्यम निजे समाधान करदेव करके कौन एक्स आउ वाई वैल्यू आनीदेव तो ताल कौन आयत क्षेत्र क्षेत्रफल पचारे ना तो देख आम एक्स आउ वाई आसला कौन क्षेत्रफल इक्वल कौन से दुटा को आम गुणन करदे बुझिपार तो यहाँ आम तेरह नंबर क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स करे तो ये आउ मु करूनिका है तो तुम्हें देखिपार कि तुम ये तो निजे भी करदे पार बुझिपार।